coming here, I can feel the warm. All of you are so excited. जब मैं यहाँ आया मुझे यहाँ की गर्मी अभी बहुत महसूस हो रही है. आप लोग इतने सब खुश हो, excited हो. Yeah. So professor told me all of you now are diamond and above. मुझे प्रोफेसर ने बताया आप लोग सब डायमंड और ऊपर वाले लोग हैं. So you are the dream, you are the future of DXN. आप DXN के सपने हो, आप DXN के future हो. Yesterday in a big gathering. कल जो अपनी बड़ी गैदरिंग हुई. इसे DXN is India, India is DXN. कल मैंने बताया था कि DXN India है और India ही DXN है. I think many of you are there yesterday. कल काफी लोग कल थे वहाँ पे मीटिंग में. Because when DXN came to India. क्योंकि जब DXN India में आया था. Then from India we spread all over. India से ही पूरी दुनिया में वो फैला गया. Without India. बिना India के. There is no DXN in the world. बिना India. इसलिए मार्केट में हमेशा एक चुटकुला कहा जाता है. DXN is run by a group of Indian mafia. DXN को चलाने के लिए इंडियन माफिया होता है. You see, Malaysia. मलेशिया में जाके देखो. अब PIC is Ashish. हमारा PIC वहाँ का है, उसका नाम है आशीष. Is a Malaysian Indian. वो मलेशियन इंडियन है. So when you come to India here. अभी इंडिया में अगर आओगे. Okay, Rafiq is Indian. है वो इंडियन है. बांग्लादेश. अगर आप बांग्लादेश में जाओ तो इंडिया. वो आपकी इंडियन. इन अरब. अरब में जाओ. मिडिल ईस्ट. सलीम सब हम इंडिया. सलीम जो है वो भी इंडियन है. हाँ. तो लिखो कौन सा. यूरोप. यूरोप में जाओ. डिबिया. डिबिया जो है वो इंडियन है. हम इंडिया. ना वो तो अफ्रीका. अभी अगर अफ्रीका में जाओगे जो है वो भी इंडिया. वो भी इंडियन है. लिखो तो अमेरिका. और अगर अमेरिका जाओ. लिखो तो साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका जाओ. प्रजीत. प्रजीत जो है वो भी इंडियन है. तो DXN कम टू इंडिया. तो DXN इंडिया में आया था. सेंड द इंडिया थ्रू द होल वर्ल्ड. और फिर इंडियन ने ही उसको पूरी दुनिया में लेके गया. सो DXN. इसलिए DXN में इज रन बाय अ ग्रुप ऑफ इंडियन माफिया. चलाने वाला जो DXN चलाने वाला चाइनीज बॉस. लेकिन उसका जो बॉस है वो चाइनीज है. सो दिस इज द वर्स्ट कॉम्बिनेशन. ये पूरा खतरनाक कॉम्बिनेशन है. बट इट्स द बेस्ट रिजल्ट. लेकिन ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन भी है. सो DXN. सो इन DXN इंडिया है और इंडिया ही DXN है. इन अ ईयर 2020. तो अगला साल जो 2020 आने वाला है. ये जो भी एक इम्पोर्टेंट ईयर फॉर DXN. ये सबसे महत्वपूर्ण साल होने वाला है DXN के लिए. बिकॉज़ आवर फैक्ट्री इन सिलीपेट इज गोइंग टू ऑपरेट. क्योंकि सिलीपेट की जो हमारी फैक्ट्री है ये अभी शुरू होने वाली है. सिलीपेट द कैपेसिटी इफ गो फॉर फुल कैपेसिटी 3 टाइम द कैपेसिटी ऑफ मलेशिया. तो DXN की जो सिलीपेट की फैक्ट्री है वो उसकी फुल कैपेसिटी जब रन होगी वो 3 गुना जो मलेशिया की फैक्ट्री उससे ज्यादा होगी. India will become HQ of DXN. India headquarters बनेगा DXN का. That is DXN and India. यही चीज India में ना है. And today my topic is DXN and the world. और आज मेरा topic है DXN और दुनिया. हाँ दुनिया. Okay. दुनिया. Same thing ना. ये दुनिया एक जैसी ही है. Now we come to India. जब हम India में आते हैं. पूरी दुनिया में फैले. Then keep on spreading. और फिर भी फैलते जा रहे. I just come back from Vegas. अभी भी मैं just Las Vegas से आया. Together with मेरे साथ हम लोग वहाँ चले गए. So we gather about 300 leaders now from North and South America. For 300 leaders जो थे North और South America से आए थे वहाँ पे. So that time I'm also wearing this kimono. तभी मैंने वहाँ पे भी ये kimono पहना था. Because we launched Sunya. क्योंकि वहाँ पे भी हमने शून्य लॉन्च किया. They are very happy. वो बहुत खुश थे. Then everybody practicing. सब लोग प्रैक्टिस कर रहे. Then ask me डॉक्टर इन. फिर उन्होंने पूछा मुझसे इवेंट किया. No, सुनिए ऐसा इवेंट है by me. मैंने बोला नहीं मैंने नहीं इवेंट किया. सुनिए इवेंट है by इंडियन. इसका आविष्कार किसी इंडियन ने किया. One very famous Indian. वो तो एक बड़ा ही famous Indian था. Sakyamuni. Sakyamuni. बुद्धा सक्यमुनि. बुद्धा सक्यमुनि. सुनिए फॉर मी.
उसी से ये शुरुआत हुई बकवास नेपाली डोंट एग्री विद यू लेकिन नेपाली लोग शायद आपसे ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे बट इन मलेशिया नेपाली को द स्टेज बट जब मलेशिया में नेपाली स्टेज पे जाते हैं यू से डू यू नो व्हाई नेपाली आर सो हैप्पी आपको पता है नेपाली क्यों खुश होते हैं ऐसे कहते हो व्हाई नेपाली सो पीसफुल इतनी शांत क्यों है नेपाली पता है बिकॉज़ बुद्धा इज नेपाली बिकॉज़ बुद्धा जो है नेपाली हमें कुछ लेना देना नहीं कि बुद्धा नेपाली है इंडियन है कुछ ड्यूरिंग दैट टाइम नेपाल नॉट देयर इंडिया नॉट देयर उस जमाने में नेपाल इंडिया ये नहीं था आवर बॉडी इज अ मट बुद्धा ने कहा कि ये जो शरीर है ये मट्टी है वी डू नॉट वर्शिप द फिजिकल बॉडी ऑफ बुद्धा हम बुद्धा के फिजिकल बॉडी यानी शरीर की पूजा नहीं करते द बॉडी इज अ मट वो एक कीचड़ है But the teaching is a lotus. लेकिन उस टीचर में एक जो सीख होती है वो कमल की तरह होती है आप टीचर को मत देखिए कमल को देखिए Don't look at the mat. टीचर को मत देखिए When I am teaching Shunya in Siddipet, जब मैं शून्य सिखा रहा था Siddipet में Many of the students come and touch my feet, you know. काफी लोग आके मेरे पैर छूते हैं students. Do respect to me. क्यों मुझे आदर करते हैं इसीलिए. And I'm going to ban it. अभी मैं उसको बैन करने वाला हूँ The respect should not pay to me. क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ मुझे रिस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है To be a mark. क्योंकि मैं कीचड़ हूँ Nothing to be respected of. मेरे में कुछ भी ऐसी खास बात नहीं है जो मुझे आप इतना इज्जत दो But the teaching. मैं जो प्रैक्टिस करवाता हूँ Okay. So from now we spread Shunya for the whole world. अभी हम यहाँ से शून्य को पूरी दुनिया में लेके जा रहे हैं Our first Shunya meeting is in Czech. स्लोवाकिया हमारी पहली जो शून्य मीटिंग थी वो स्लोवाकिया में थी यूरोप में वो एक्सीडेंट भी हो गया मुझे तो इंडिया ही नहीं आना था आई ट्रांसिट इन चेक स्लोवाकिया लेकिन मुझे ट्रांसिट स्लोवाकिया करना पड़ा सो दे नो दैट आई वांट टू कम टू इंडिया मैं इंडिया में आने वाला हूँ कि शून्य का उसने कहा कि मुझे 200 लोगों को लेके आना इंडिया में Why India? इंडिया क्यों? But India is the source of Shunya. क्योंकि इंडिया ही है जो जहाँ से शून्य का सोर्स हुआ है So now DXN is spread for the whole world. अब DXN पूरी दुनिया में फैला हुआ है We are going to make India the HQ of DXN. और इंडिया को हम हेडक्वार्टर्स बनाएंगे DXN का. A lot of people in India. बहुत सारे दुनिया के सभी लोग इंडिया. सभी लोग भी अभी पूरी दुनिया में जाएंगे. Yeah. So one world, one family. So one world, one family. Yeah, एक yeah. दुनिया एक परिवार. Now, 2020, many things we are going to do. ये आने वाले साल 2020 में काफी चीजें हम करने वाले हैं द मेन पर्पस ऑफ इवेंट किमोनो ये जो उद्देश्य जो प्राथमिक उद्देश्य इस किमोनो पहनने का देयर इज अ रीजन यू नो इसके वी डोंट वेयर फॉर फैशन हम लोग कोई फैशन के लिए नहीं पहन रहे वी डोंट वेयर फॉर फन यू नो कोई मस्ती मजाक के लिए नहीं पहने बिकॉज़ इन इंडिया क्योंकि इंडिया में फॉर द पास्ट 10 इयर्स पिछले 10 साल से देयर आर 300,000 फार्मर कमिटेड सुसाइड 300,000 लोगों जो किसान है उन्होंने आत्महत्या की है एंड मेनी ऑफ देम आर कॉटन फार्मर और उसमें से काफी प्रतिशत जो लोग थे वो किसान वो रुई की खेती करने वाले थे कॉटन इज अ वेरी डिफिकल्ट प्लांट ये जो रुई है ये अलग टाइप का प्लांट है इन इंडिया मेनी एरिया यू डोंट हैव एनफ रेन काफी एरिया इंडिया में ऐसी जगह है जहाँ पे बारिश ज्यादा नहीं होती कॉटन इज द ओनली प्लांट दैट कैन प्लांट वहां पे सिर्फ रुई की खेती की जा सकती है और प्रॉब्लम विद कॉटन लेकिन जो रुई का प्रॉब्लम है नो रेन नो क्रॉप बारिश नहीं तो खेती में कोई फसल नहीं टू मच रेन कमिंग सो द क्रॉप इज डिस्ट्रॉयड अगर बाय चांस बहुत ज्यादा बारिश होगी तो पूरी खेती खराब सो इफ वन क्रॉप फेल अगर एक जो वो फसल अगर फेल होगी खराब होगी द फार्मर टेक 5 टू 6 इयर्स टू रिकवर बैक तो उसके ऊपर का जो कर्ज पूरा करने के लिए उसको 5 से 6 साल लगेंगे If two crop fails, अगर दो उसकी फसल खराब होगी they will end up for one whole life. पूरी जिंदगी के लिए वो कर्जे में डूबे रहेंगे If three crop fails, अगर तीन क्रॉप
उनके फेल हो गए तीन फसलें फेल हो गई फिर और कोई तरीका नहीं आत्महत्या सो व्हाट वी डू नाउ तब ऐसे स्थिति में हम क्या कर सकते हैं सो वी आर गोइंग टू एनकरेज द कॉटन प्रोडक्ट्स हम उन जो खेती करने वाले हैं रुई उनको मदद करने वाले हैं उनके प्रोडक्ट्स को हम लोग आगे प्रमोट करने वाले हैं In future, we are going to use this flower bouquet. हम ये जो गले में fresh flower डालते हैं, वो भी नहीं use करेंगे. We're going to use a cotton flower. हम उस रुई से बने हुए मालाएं बनाएंगे. रुई से बनी हुई flower बनाएंगे. The kimono become a DXN product. ये जो kimono है, ये जो रुई से बना हुआ है, ये DXN product बन गया. We give SV, PV. हम उसके साथ SV और PV भी दे रहे हैं. And every kimono. और ये हर kimono. Over the whole world. पूरी दुनिया में कहीं पे भी we're going to take out $10 हर कीमत के पीछे से $10 हम से निकालने वाले हैं 700 रुपीस या ऑलमोस्ट 700 रुपया नाउ इन इंडिया अलोन इंडिया में अकेले ही we're going to sell 10,000 kimono now 10,000 kimono हम लोग बेचने वाले हैं that means we have raised 100,000 for the farmers इसलिए सोच लो हमने कितना $1,000 ऑलरेडी अरेंज कर चुके हैं फार्मर्स के लिए फ्रॉम इंडिया इंडिया से we're going to बहुत सारे जो खेती के उत्पाद होते हैं वो हम लेके आने वाले हैं और पूरी दुनिया में बेचने वाले हैं यू सी लास्ट टाइम वी आर सेलिंग कॉफी देखो पिछली बार हम बेच रहे थे कॉफी व्हेन आई गो टू फिलीपींस आई हैव फूड जो सेहत की फूड सप्लीमेंट होते वो सक्सेसफुल नहीं थे फेल हो रहे थे सो आई आस्क्ड द मेंबर टू राइट नाउ व्हाट डू दे ड्रिंक तब मैंने मेंबर से पूछा था आप बताओ आप लोग क्या पीते क्या हो And use this money to buy DXN coffee. तो उस जो पीने वाले पैसे हैं जो आप खर्चा करते हो वो आप DXN प्रोडक्ट खरीदने में डालो उसे cheers, drink coffee is the becoming a फिर आप cheers, सिर्फ कॉफी पी के भी आप मिलियनेयर बन सकते हो So in the future. So आने वाले भविष्य में I'm going to sell you breakfast. फिर मैं आपको नाश्ता बेचने वाला हूँ lunch. मैं आपको दोपहर का लंच बेचने वाला हूँ So you list now what you eat in the family. फिर मैं आपको कुछ आप लिस्ट करो क्या क्या खाते हो सुबह दोपहर शाम को आपके फैमिली में You this money to buy DXN food. वो पैसे आप DXN में डालो उसी से आपको आप खाना खाओ So, आप खाना खाते खाते मिलियनेयर बन जाओगे The first thing we are going to do is the millet. पहली शुरुआत हम करने वाले हैं धान से When I go to China, जब मैं चाइना जाता हूँ millet is double the price of rice. जो है यहाँ का जो धान है यहाँ का जो वो राइस से भी दो गुना ज्यादा महंगा बिकता है वहाँ पे When Chinese become sick, जब चाइनीज लोग बीमार पड़ते हैं they boil the millet porridge, millet khichdi. धान की खिचड़ी टाइप बनाते हैं वो लोग सूप टाइप और फिर वही पीते हैं It or a thumb goes very costly. क्योंकि वो आप वहाँ पे हर रोज भी नहीं खा सकते क्योंकि महंगा है वहाँ पे. When I come to India, कि जब मैं इंडिया आया, millet is half the price of rice. जो धान की कीमत है वो राइस के आधी है. And we feed the millet to the cow. और यहाँ पे मुझे पता चला कि ये जो धान है ज़्यादा खिलाता है. Now in India, अभी इंडिया में, the cow is very strong. इसीलिए गाय बहुत ज़्यादा strong है. आदमी कमजोर People are very weak. और आदमी कमजोर है You they eat white rice. क्योंकि वो लोग सिर्फ राइस खाते हैं So now. लेकिन अभी We are going to buy millet from the farmers. हम खेती करने वाले जो धान की खरीदने वाले हैं millet. हम उसको थोड़ा सेकेंगे So next time we put hot water in it. some kanji. सिर्फ पानी डालना है आपको और कंजी बोली पीना है आपको Your wife will become very happy. आपकी बीवियां बहुत खुश हो जाएगी काम कम हो गया नीचे वाला काम कम हो गया Then we can bring it along with us, no? Traveling. Okay. We can bring along with us. उसके साथ हमारे लोग बहुत आ सकते हैं Put in hot water. हाँ फिर उसमें से पानी डालना है So next time we will come up with mushroom. फिर मशरूम भी लेके आएंगे फिर आपका एक खाना हो जाएगा वेरी गुड मील और अच्छा वाला खाना हो जाएगा और पैसा भी कमाओगे मिलियनेयर भी बन जाओगे सो वी नीड टू बाय हमको इन जो खेती करने वाले किसान है उनसे खरीदना हमको जरूरी है India farmer not a very good shape. क्योंकि इंडिया में जो किसान है उसकी हालत अच्छी नहीं है Recently the onion is very 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 costly. अब मुझे पता चला कि अभी हाल ही में प्याज बहुत महंगा हो गया You get 200 rupees. और 200 से 300 रुपए किलो हो गया
But the farmer gets only 7 rupees. So now what? अब बीएक से क्या करने वाला है? Now this year we are going to make 15,000 people to CDPET. ये 2020 में हम 15,000 लोग एक साथ जुड़ने वाले हैं CDPET में. 2 or 3,000 farmers will join us. 2 से 3,000 जो किसान हैं हमको join करने वाले हैं. So directly from the farm, उनके जो खेतों में से आने वाली जो भी उपज होगी, to the table, वो table तक आएगी. I mean the farmer directly supply to us. अभी जो किसान होता है वो डायरेक्टली हमको सप्लाई करेगा कंपनी को. We buy from them. हम डायरेक्टली उनसे खरीदेंगे. With SV and PV. With SV और PV. अच्छा. Can they go to export from India? फिर इंडिया से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करने वाले. India, you have rainbow of millet. इंडिया में जो धान है वो रंग बिरंगी है पूरा सत्तर जो ये होता है रेनबो के कलर के. जितने भी कलर होते हैं ना इंद्र धनुष के वो सब कलर के आपको धान मिलेंगे इंडिया में. ये रेड मिलेट लाल कलर का धान. ऑरेंज मिलेट ऑरेंज कलर का. येलो पीला. ग्रीन हरा. वेलवेट वेलवेट एनी कलर यू मेनी नीला पीला जो भी कलर चाहिए वो सब मिल जाएगा. लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है वो लाल जो रंग बिरंगी वो यू फिट द लीफ ऑफ मिलेट टू द काउ. आप जो उसके जो पत्ते होते हैं धान के वो भी आप गाय को खिलाते हो. डॉक्टर क्लेरेंस टोल्ड मी. डॉक्टर क्लेरेंस ने मुझे कहा है फॉर फ्रॉम दिस 100 ग्राम जो 100 ग्राम से मिलेट ज्वार जो बोलते हैं द लीफ इज वेरी न्यूट्रिशियस. ज्वार के जो पत्ते होते हैं वो उसमें भी काफी न्यूट्रिशन है. बट वी डोंट ईट लीफ. लेकिन हम वो नहीं खाते ना. वी लेट द काउ ईट. हम गाय को खाने देते हैं. वी ईट द मिलेट. हम धान खाएंगे. वी आर सीरियस नाउ. हम सीरियस है इस बात. नो इफ कॉफी कैन मेक अस रिच. अगर कॉफी जैसा एक चीज हमको अमीर बना सकता है. इन फ्यूचर मिलेट विल मेक अस रिच. तो सोचो धान क्या करेगा. इंडिया जो होगा वो हब बनेगा मेन सेंटर. सो वी आर गोइंग टू डू एवरीथिंग इन इंडिया. हम सब कुछ जो है वो इंडिया में करेंगे. नाउ फ्रॉम इंडिया वी एक्सपोर्ट टू ऑल पूरी दुनिया में फैलेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे. सो इन द फ्यूचर आने वाले भविष्य में अदर देन एक्सपोर्टिंग द माफिया. हां सिर्फ माफिया एक्सपोर्ट करने के अलावा ईडीएक्स से अब ये एक्सपोर्ट भी है. हम लोग धान भी एक्सपोर्ट करेंगे. वी कैन आल्सो एक्सपोर्ट एनीथिंग फ्रॉम इंडिया. और काफी चीजें और एक्सपोर्ट करेंगे इंडिया से. देन आल्सो और आने वाले 2020 में वी गो ऑल आउट टू प्रमोट सोनिया. और हम पूरे फुल फोर्स से शून्य को प्रमोट करने के पीछे लगे हैं. यू सी इन आवर गेनोथेरेपी. देखो अपनी गेनोथेरेपी में समटाइम पीपल सी अस नो. जब लोग अपने पास आते हैं नो हमें मिलने के लिए मेंटली दे आर वेरी डिस्टर्ब. मानसिक रूप से वो डिस्टर्ब होते हैं. नाउ यू एज अ गेनोथेरेपिस्ट. अब जब आप एक गेनोथेरेपिस्ट हो हाउ डू यू नो दैट अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन. आपको कैसे पता चलेगा कि ये इंसान डिप्रेशन में है या नहीं है. कैन वी टेस्ट इट. कोई टेस्ट है चेक करने के लिए. इन 5 मिनट वी कैन टेस्ट. 5 मिनट में टेस्ट कर सकते हो. हाउ. कैसे. सो वी आस्क हिम टू काउंट हिज ब्रीदिंग. तब हम उनको बोलते हैं आपकी सांसें गिनने आता है आपको गिनो. ब्रीद इन. आप सांस अंदर लो. ब्रीद आउट. सांस बाहर छोड़ो. 1 काउंट. वो एक हो गया. सो काउंट फ्रॉम 29. आप 29 से गिनना शुरू करो. 28. 28. इफ अ पर्सन कैन काउंट फ्रॉम 29 टू 0. अगर कोई व्यक्ति 29 से लेके उल्टी गिनती गिनती शून्य तक आ जाएगा विदाउट डिसरप्शन कोई मानसिक रुकावट के बगैर ही हैव नो डिप्रेशन. उस इंसान को कोई डिप्रेशन नहीं है. इफ ही डिप्रेशन इन द नो आई डिप्रेशन या व्हाटएवर इफ ही कैन कंप्लीट इवन हैविंग डिप्रेशन. लेकिन अगर वो 29 से शून्य तक गिनती भी नहीं कर पाए सांसों की ठीक से तो वो उनमें डिप्रेशन है. You have a depression, but you know. लेकिन अगर किसी को सच में इतना डिप्रेशन है तो उसको क्या करेंगे. First, drink the coffee. पहली चीज कॉफी पियो. DXN coffee is very good for depression. DXN की कॉफी इस डिप्रेशन के लिए सबसे बेहतरीन है. Take DXN products. DXN products लेना बहुत जरूरी है आपके लिए. प्रैक्टिस सेशन या और फिर शून्य की प्रैक्टिस करो. Then if you can count 99 to 0. फिर लेवल थर्ड पे जब आप 99 से शून्य तक गिरोगे Your mind will be perfect. आपका मन पूरा परफेक्ट हो जाएगा.
And this is a very simple exercise. ये बहुत ही आसान exercise है क्या? We have nothing to do with any religion. इसका कोई धर्म के साथ लेना देना नहीं है. Anybody can learn. ये कोई भी सीख सकता है. Even school children also can learn. School में जाने वाला बच्चा भी सीख सकता है. I remember that Avnish, जो हमारे एक leader है Avnish कुमार. Pradeep. Pradeep करके और एक है. They go to the school now. वो आजकल school में invite किया जाता है इनको. Now 10,000 students practicing sunya. हजारों में बच्चों को अभी sunya सिखाया जा रहा है. So अभी हम sunya training many people join the training, you know. जब हम sunya की training करें तो काफी आम इंसान जो हमको जानते नहीं वो भी join करेंगे हमसे. Then automatically. फिर automatically जो है. You get your member, you get. तुम्हारा prospecting, तुम्हारा membership शुरू हो जाएगा. But we cannot say that we have a hidden agenda in sunya. लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे हमारे अंदर कोई hidden agenda है, कोई स्वार्थ छिपा है कि sunya करना है. DXN, we do not need sunya to promote DXN. हमको DXN में sunya की जरूरत नहीं है प्रमोट करने के लिए DXN. But since sunya is a good mental practice, एक अच्छी व्यायाम की प्रक्रिया है. We teach the any charge, no charge. तो हम ये जो समाज को ये free of charge सिखा सकते हैं. Then in India, और इंडिया में we see that member from all over. इंडिया में जो सभी मेंबर हैं सभी अलग अलग sunya meeting. वो लोग अपनी अपनी छोटी छोटी sunya meeting कर सकते हैं. We ask them to have DXN meeting, no meeting. जब हम DXN meeting करने की बात करते हैं तो कोई meeting नहीं करता है. But they can do sunya meeting. लेकिन sunya meeting सब लोग कर सकते हैं. It's the same. ये वही है, same ही है. Sunya DXN. Sunya ही DXN है. DXN is sunya. DXN ही sunya है. I went to Arab. मैं अभी अरब गया था. The people in Arab told me. वहाँ के लोगों ने मुझे कहा. You say, Doctor Lim. Doctor Lim. We don't like Indian. हमको इंडियन पसंद नहीं है. Don't send Indian staff. आप इंडियन के स्टाफ को अरब मत भेजो. तो send. DXN में. हमारे नो मलेशियन नो सिर्फ DXN स्टाफ है हमारे पास. Take it or leave it. आपको चाहिए तो रखो नहीं चाहिए तो छोड़ दो. We have no Indian. हमारे में कोई भेदभाव कोई इंडियन भी नहीं. आपके मज़ा इंडियन है. नहीं मैं अपने आप को खुद को इंडियन मानता हूँ. We are color blind. हम रंग से कोई अपने आप को देखते नहीं. हम ब्लाइंड हैं उस अंधे हैं उस मामले. शून्य वी डोंट रिप्रेजेंट पीपल. हम शून्य में किसी को हम लोग इंसान को इंसान से भेदभाव नहीं करते. That's why in DXN. इसीलिए DXN में. You say there's no Malaysian. DXN में कोई मलेशियन नहीं है. There's no Indian. कोई इंडियन नहीं है. There's no European. कोई यूरोपियन नहीं है. You only have. वापिस आ गया. हो गया. हेलो हेलो. यू एक्चुअली यू नीड टू नीड 10 to 15 minutes now to practice sunya. सिर्फ 10 से 15 मिनट लगता है प्रैक्टिस करने को शून्य में. In future in DXN meeting, आने वाले फ्यूचर में DXN मीटिंग में, maybe before the meeting, you know, मीटिंग शुरू होने के पहले, maybe we have 5 minutes, 10 minutes of practice. 5 से 10 मिनट की ये प्रैक्टिस करेंगे. Then everybody will come now. ताकि सबका मन जो है वो शांत हो जाए. Then you can have a very good meeting. इसके बाद जो मीटिंग होगी बहुत ही बेहतरीन होगी. In India, because sunya. ये इंडिया में जो शून्य की वजह से many people from other MLM company wanted to join our sunya gathering, you know? बाकी जो MLM company के लोग ये sunya की gathering को join करने की इच्छा रखते हैं. Last time we invited them to come to DXN meeting and never come. पहले जब हम DXN meeting के लिए बुलाते तो नहीं आते. Now because of sunya they come by their own. लेकिन sunya की वजह से खुद ब खुद खींचे चले आ रहे हैं. Yeah. You want to have some practice? आपको थोड़ा practice चाहिए? Yeah. Now sunya you can sit like this, do sunya.
अभी इस प्रैक्टिस के लिए आप जैसे वैसे बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. यू कैन सिट क्रॉस लेग. आपको क्रॉस लेग पद्मासन में बैठना है तो वैसे बैठ सकते हो. यू कैन स्टैंड. आप खड़े रह के कर सकते हो. यू कैन स्लीप. आप सोते सोते भी कर सकते हो. और यू कैन डू. और चलते चलते भी कर सकते हो. सो नाउ यू सिट लाइक दिस. डोंट क्रॉस लेग. पुट द लेग. अभी आप जैसे बैठे हो आराम से बैठो. डू नॉट क्रॉस लेग. ऐसे क्रॉस करके मत बैठो. सो वी ब्रीथ इन. आप सांसें अंदर लो. You breathe out. आप सांसें जब बाहर छोड़ते हो, one count. वो एक गिनती होगी. So we start from 9 to 0. अब हम गिनती करेंगे 9 से लेके 0 तक. The one you follow me. पहले बार आप डॉक्टर लिंग को फॉलो करो. Then we go for 29 to 0. फिर हम 29 से लेके 0 तक जाएंगे. You do it on your own. आप खुद ब खुद करोगे. If you can do it, अगर आपने वो कर दिखाया, you have no depression. आप में कोई डिप्रेशन नहीं है. You do it halfway, you forgot the count. आपकी गिनती कहीं भूल गई, आपकी चूक गई, then have a cup of coffee later. फिर जाके बाहर कॉफी पी लेना. Yeah, we can. So get ready. तो आप सब ठीक हो? Ready? No need to close the eye. आप आंख बंद करने की जरूरत नहीं है. But look 45 degrees. कहीं एक जगह पे नजर टिका दो बस. Don't know memory, you know. Yeah, डॉक्टर के पास देखने की जरूरत नहीं. कहीं एक जगह पे आपकी रिलैक्स पोजिशन में नजर कहीं एक जगह पे टिका दो. Never roll your eyes up. अपनी आंखों को कभी भी ऊपर मत ले जाना ऐसा. When you roll your eyes up, you may pass out. वो जब आप करोगे तो आप कोमा हो जाओगे, पास आउट हो जाओगे. ये रॉन्ग प्रैक्टिस. हां, वो गलत प्रैक्टिस है. ओके, देन यू पुट योर हैंड ऑन योर नी. आपका हाथ जो है अपने थाई पे रखिए आराम से. सो रिलैक्स हो जाओ. थोड़ा रिलैक्स हो जाइए सब लोग. सो गेट रेडी. सब रेडी. या ओके, खड़े रहने वाले खड़े रहने के भी कर सकते हैं. वेरी गुड. Five, five, four, four. In, three, तीन, in, two, दो, आप हिलना मत. Now we 29 to 0. You do it on your own. अभी आप 29 से लेके 0 तक मन में गिनती रखो, सांसों पे नजर रखो. I only do it for the first time. Ne, हाँ. आप ये अंदर लो सांस. अच्छा. 29. In. 28. Yes. In. 27. You continue yourself. अभी आप continue करो गिनना.
धीरे को तीन बार ऐसे रगड़ो रब है फिर पालों को ऐसे करो फिर गर्दन को थोड़ा सा मसलो टू द फेस टू द हेयर चेहरा बाल और गर्दन three time धीरे धीरे एकदम आराम से प्यार से तीन बार करो then rub the ear फिर कान को मसलो so done so how do you feel कैसा लग रहा है good very good Oh, आप लोगों में से सभी ने शायद 29 से लेकर शिन्ने की गिनती को पूरा किया होगा इसलिए मैं तुम लोगों को कॉफी नहीं देने वाला प्रोफेसर शायद आपको देगा बात सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट ओके ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसी से जो होगा इंडिया का नाम भी होगा एंडोर्समेंट भी होगी इंडिया की This is a soft power of India. ये इंडिया की जो है एकदम सॉफ्ट पावर मतलब एक छोटी सी हल्की सी ताकत है So next year on the 7th of December, तो अगले साल 2020 में 7 दिसंबर को we are going to have big Sunya gathering. सबसे बड़ी शून्य की गैदरिंग होगी 15,000 people. 15,000 लोग There will be 2,000 people from overseas. 2,000 लोग पूरी दुनिया से आएंगे 2,000 people from the farmers. 2,000 लोग खेती करने वाले जो किसान होंगे वो होंगे And on this 7th of February, और 7 फरवरी के दिन we have 5,000 people. 5,000 लोग बोधगया हम बोधगया जाने वाले किमोनो हम किमोनो पहन के जाने वाले सिर्फ यही जो ध्यान की पद्धति करेंगे शून्य गैदरिंग वेरी सिंपल नो शून्य की जो गैदरिंग है बहुत सिंपल है ना People come together. लोग आते हैं साथ में मिलते हैं We do some exercise. थोड़ा शरीर के लिए एक्सरसाइज करते हैं Then we sit down. फिर हम नीचे बैठते हैं Then we count 99 to 0. फिर 99 एक से शून्य तक गिनती करते हैं Over. बस खत्म In about 20 minutes now. बस 20 मिनट लगता है खत्म So you can have a shunya meeting very easily. तो शून्य की मीटिंग आप बहुत easily कर सकते हो And because this is a एक meditation ध्यान की पद्धति है You go to the soup, you go to the newspaper nowadays. अभी आप देखो अखबार पढ़ो दोस बाबा दोस गुरु वेरी कॉस्टली यू नो मैन ये जो बाबा और गुरु इनके जो प्रोग्राम होते हैं ध्यान के बड़े महंगे महंगे प्रोग्राम बेच रहे हैं तो 33,333 गारंटी एलिमेंट एक एडवर्टाइजमेंट देखी थी 33,333 रुपया प्लस टैक्स जीएसटी लगा के गारंटीड आपको निर्वाणा पहुंचाने वाला प्रोग्राम दे रहा था Give the money to me. मुझे वो पैसे दे दो And the farmers. मैं वो खेती करने वाले को दूंगा In our practice, we don't guarantee anything. हमारे प्रैक्टिस में हम कोई गारंटी नहीं देते How can you guarantee enlightenment? आप कैसे गारंटी दे सकते कि आप enlightened हो गए Why Sunya? शून्य क्यों Where is to reset your mind? आपके मन को रीसेट करने के लिए When you use a handphone, you know? आप जब फोन यूज करते हो ना मोबाइल का the handphone hang? कभी कभी ये हैंग हो जाता है so you press and to restart handphone. फिर आप दबा के क्या करते हो रीसेट कर देते हो उसको Can you reset your mind? आप अपने मन को रीसेट कर सकते हो ऐसा कोई बटन है yes. हाँ है शून्य अभी आप देखो DXN actually established 1992. देखो DXN का असली में establishment हो गया 1992 में. October 1992. October 1992 में. No sales. कोई sale नहीं. No member. कोई member नहीं. शून्य. शून्य. It come November. जब November आया. No sales, no member. No sale, no member. Come to December. December आया. 3 months, no sales, no member. 3 महीने, no sale, no member. Zero. शून्य जीरो सो वी से 1992 सायोनारा फिर हमने 1992 को बोल दिया बाय बाय सायोनारा वी डोंट वांट टू थिंक ऑफ 1992 अभी 1992 के बारे सोचना भी नहीं हमको इट इज अ वेरी सैड ईयर ये जो हमारे लिए बहुत दुखी साल था मे बी गुड 1993 लेकिन 1993 में हम जाते हैं जनवरी फरवरी मार्च वापिस हुई नो सेल नो मेंबर फॉर 6 मंथ 6 महीने अभी हो गए कुछ भी नहीं हो रहा डीएक्शन में पीपल ऑलवेज आस्क मी वन क्वेश्चन फिर काफी लोगों ने मुझसे हमेशा एक सवाल पूछा है तो तुम्हें हाउ डू यू मैनेज टू कंटिन्यू
आप कैसे मैनेज कर रहे हो, एक चलाने की कैसी आपके अंदर इच्छा कैसी है? What make you continue? आपको किस चीज ने इसे कंटिन्यू करने के लिए प्रोत्साहित किया? We, I go for sunya practice. मैं ये शून्य की प्रैक्टिस हमेशा करता आया हूँ. Reset the mind. मैं अपने मन को रीसेट कर देता हूँ. जब ऐसा कुछ हो गया तो वापस रीसेट करके वापस शुरू करता हूँ. You still remember the $1 million employee to Jimmy Kitting in Philippines? आप लोगों को शायद याद नहीं होगा, एक $1 billion एडवाइस मैंने दी थी जिमी किडिंग को जो फिलीपींस के थे. काफी लोगों ने सुना होगा, काफी लोगों ने नहीं सुना होगा. जिमी किडिंग जो DXN, जिमी किडिंग जो थे इन्होंने DXN ज्वाइन किया. अभी वो क्राउन एम्बेसडर है फिलीपींस में. जब शुरुआत की तो वो फिलीपींस गए थे. 250 इन्विटेशन से बांटे थे मीटिंग के लिए, लेकिन सिर्फ 3 लोग आए थे उस मीटिंग में. Himself, वो खुद, the wife, उसकी बीवी and his driver. और उसका ड्राइवर. बाकी कोई नहीं, बाकी सब शून्य. फिर उसने वापिस किया. फिर वापिस फिर इंडोनेशिया. तभी मैं इंडोनेशिया में रहता था. They come इंडोनेशिया to see me. तब वो इंडोनेशिया मुझे मिलने आया. First time. पहली बार. Go back. वापिस गया. Fail. वापिस फिर. Second time. दूसरी बार. Go back. वापिस गया. Fail. वापिस फिर. Until the fourth time. चौथी बार तक. Tears dropping down. आंखों में से आंसू निकालते हुए मेरे पास आया. डॉक्टर लिम. I'm trying so hard. मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ. I'm over 60 now. अभी 60 साल की ऊपर हो गई है मेरी उम्र. If I fail in DXN. अगर मैं DXN में फेल हो गया ना. Finish. खत्म. मेरा कहानी खत्म. Please give me one advice. आप कुछ एक सी एक सलाह दो. I will stick to your advice. मैं आपकी उस सलाह को पकड़ ही चलूंगा. जब तक आप मैं मिलियनेयर बनता वो सलाह को मैं पकड़ के चलूंगा. लेकिन आप give him a $1 million advice. फिर मैंने उसको एक $1 million एडवाइस दी. Make him become millionaire. उसके बाद वो मिलियनेयर बन गया. Do you want to hear? आपको वो चाहिए? मैं आपकी शुरुआत से बताता हूँ. मैंने बोला आप जाओ घर और अपने घर में जो शॉवर है उस शॉवर को चालू करो गर्म पानी से. अच्छी तरह शॉवर लो गर्म पानी से. मस्त जाके सो जाओ. फिर वापस फिलीपींस चले जाए. शुरुआत कर वापस. लेकिन इस बार मैं उसके साथ चला गया. हमने फिर से शुरू किया. आज वो मिलियनेयर बन गया. My advice very good. नहीं, मेरा एडवाइस काफी इम्पोर्टेंट था. ये शून्य है. हम लोग कोई चिंता नहीं करते. Whatever the problem inside in front of us, कोई भी समस्या हमारे सामने आए हम उसको छोड़ देते हैं. Just now, professor said, अभी जब प्रोफेसर ने कहा भगवत गीता में से you must perform your duties. आप अपना कर्म कीजिए. Do your duties. आप काम करते जाइए. बाकी सब चीजें भूल जाइए. जो होता है वो बताइए. आसान है. आसान नहीं है. Give result. क्या फायदा होगा? Do not give result. या नहीं होगा? Keep on doing and doing and doing. आप करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो. इसीलिए शून्य में. In the future, we also teach Bhagavad Gita. इसीलिए हम भगवत गीता भी सिखाएंगे फ्यूचर में. भगवत गीता को स्प्रेड करो. पूरी दुनिया में फैलेगी भगवत गीता. कृष्णा से, do your duty. कृष्ण भगवान ने कहा है कि अपना कर्म कीजिए. बाकी सब चीजें की छोड़ दो. आप सिर्फ करते 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 जाओ. ये शून्य है. You agree with me? आप मानते हो कि नहीं मानते? मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा अरिंदो. हम कोई धर्म के साथ कोई रिलेशन नहीं. 2020 will be very important year. आने वाला जो 2020 है ये साल बहुत ही important year होने वाला है. Our factory going to establish in India. हमारी सबसे बड़ी factory इंडिया में establish होने वाली है. And through India we're going to launch Shunya. और पूरी इंडिया में हम लोग शून्य का लॉन्च करने वाले हैं. We're going to export millet. हम लोग मिलेट के धान को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे. And we're going to produce kimono in India. और इंडिया में kimono प्रोड्यूस करेंगे. We
और इंडिया से ही पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे. So the DXN India. So the DXN जो इंडिया है. We have full engagement in the world. पूरी दुनिया के साथ हम जुड़े रहेंगे. They come to India. वो लोग इंडिया आएंगे. You go to the world. तुम लोग पूरी दुनिया में जाओगे. One more. Go to every corner. आप दुनिया के हर कोने में जाओ. किसी चीज की चिंता मत करो. In DXN, DXN में, when we do our business, जब हम अपनी business करते हैं, when we do our duties, जब हमारा कर्म करते हैं, we never worry. हम कोई चिंता नहीं करते. We are afraid of nothing. हम किसी से डरते नहीं है. We go. हम सिर्फ जाते हैं. So we go to New York. हम जब न्यूयॉर्क जाते हैं, we also go to the jungle of Ethiopia. इथियोपिया के जंगल में भी जाएंगे. वहाँ पे तो कपड़े पहनते नहीं है. Fully naked, you know? पूर्ण तरह नंगे. हम वहाँ भी जाते हैं. हम कोई चिंता नहीं करते. ये DXN है. इसीलिए मैं कहता हूँ DXN शून्य है. शून्य ही DXN है. DXN इंडिया है और इंडिया ही DXN है.